हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप ब्यूटीफुल सा स्कर्ट रेडी कर सकते हैं अपनी किसी भी ओल्ड डेनिम की हेल्प से। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक ओल्ड जीन्स लिया है। इसका हम जो वी सेक्शन है हमारे जीन्स का, उसका थ्रेड ओपन कर लेंगे। थ्रेड ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसे सिंपली कट कर लेंगे। सो यहाँ हमने कट कर लिया है। अब ऊपर का पोर्शन भी हम कट कर लेंगे। सो यहाँ हमने कट कर लिया है। ऊपर का पोर्शन का हम रीयूज़ भी कर सकते हैं हॉट पैंट बनाने के लिए। अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस हिसाब से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद मैं इसे स्प्रेड कर लूँगी। स्प्रेड करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारे डेनिम का टॉप का पोर्शन था वो हमारे स्कर्ट का बॉटम का पोर्शन हो जाएगा, एंड जो हमारे डेनिम का बॉटम का पोर्शन था वो टॉप पोर्शन हो जाएगा, जिस वजह से हमारे स्कर्ट में काफ़ी अच्छा फ्लेयर आ जाएगा एट दी बॉटम। अब इसे हम रॉन्ग साइड दोनों प्लेस कर लेंगे। प्लेस करने के बाद साइड की फिटिंग सिल देंगे। सो यहाँ हमने साइड की फिटिंग सिल दिया है। सिलने के बाद हम हमारे स्कर्ट को फ्लिप करेंगे, एंड फ्लिप करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। हमारे स्कर्ट के ऊपर हम हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ सिल देंगे। हमें थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देना होगा सो दैट हमारे लिए एक स्पेस क्रिएट हो जाए इलास्टिक ऐड करने के लिए। सो ये हमने सिल दिया है, एंड थोड़ा सा स्पेस हमने छोड़ दिया है सो दैट वहाँ पे हम इलास्टिक ऐड कर सके। सो सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पर मैं इलास्टिक ऐड कर लूँगी। तो यहाँ हमने इलास्टिक ऐड कर लिया है। अब इलास्टिक का दोनों जो एंड्स है उसे भी हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, एंड सिक्योर कर लेने के बाद हम उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। सो जो फैब्रिक हमने नहीं सिला था वहाँ पे भी हम सिल देंगे। सो गाइज, यहाँ हमारा स्कर्ट पूरी तरीके से तैयार है। अब देख सकते हैं, अब इसे और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ बटन्स का यूज़ कर रही हूँ। ये ऐसे ही फेक बटन्स मैं ऐड कर लूँगी सो दैट हमारा स्कर्ट थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगे एंड थोड़ा सा क्लासी लगे। सो कुछ इस तरीके से मैं ये बटन्स को अटैच कर रही हूँ, एंड आप देख सकते हैं हमारा स्कर्ट कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आप लेस का भी डिटेलिंग कर सकते हैं अपने स्कर्ट पर, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। इन बटन्स को मैं सिंपली नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से सिल रही हूँ। आप ग्लू गन की हेल्प से भी इसे स्टिक कर सकते हैं। सो गाइज, ये रहा मेरा आज का वीडियो। इस टॉप को आप कैजुअल वेयर में भी कैरी कर सकते हैं, आप शर्ट के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं, या आप टी शर्ट के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो गाइज, ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई रियली होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।